हेलो गाइस, वेलकम टू अमेजिंग लर्निंग चैनल। अगर आपको वीडियो को अंत तक देखें, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना नहीं भूलें। फर्स्ट टाइम अगर चैनल में आए तो आप सब करें तथा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। सप्तपदी, सात फेरे, सात वचन, चलिए जानते हैं इसका महत्व, समझते हैं ये क्या हैं। ये सात पग के द्वारा सात वचन लिए जाते हैं। कन्या अपने पहले वचन में वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई कार्य करो तो आज मुझे व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म का कोई कार्य करे तो मुझे अपना भागी बनाना। द्वितीय वचन, सेकंड वचन क्या है? कन्या अपने दूसरे वचन में वर मांगती है, जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार आप मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे। ये तीसरा वचन, तीसरे वचन में कन्या कहती है वर से, मुझे ये वचन दे कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं में मेरा पालन करते रहेंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं, तभी मैं आपके वाम अंग में आऊँगी। वाम अंग मतलब लेफ्ट साइड पत्नी का स्थान होता है। चौथा वचन, कन्या अपने चौथे वचन में कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे, अब जबकि आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आप पर है। पांचवा वचन, कन्या पांचवे वचन में कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरे से मंत्रणा कर लें, आप मेरे से समझ लें तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। छठवा वचन, कन्या अपने छठे वचन में कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। ये नारी के सम्मान से जुड़ा हुआ है। सातवां वचन, कन्या अपने अंतिम वचन के रूप में वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन की गाड़ी पति पत्नी के सामंजस्य को बिठाने के लिए ये वचन जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और इसीलिए अगर कोई सप्तपदी नहीं होती है किसी विवाह में तो उसे समाज व विधि के द्वारा मान्यता नहीं मिलती है उस विवाह को। थैंक यू।